आज हम लोग बात करते हैं फूरियर सीरीज फॉर दोज फंक्शंस व्हिच हैव आर्बिट्ररी फूरियर्स। आप देखेंगे जब आप अगले क्लासेस में आप स्टडी करने के लिए प्रोसीड करेंगे तो बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें फंक्शंस का पीरियड 2π ना हो करके 2L, मतलब फंक्शंस का पीरियड आर्बिट्ररी तब फिक्स पीरियड 2π ना। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो देखा सुना और समझा उसमें तो यही था कि हम उन फंक्शंस का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करना सीख रहे थे जिनमें पीरियड 2π था, भले ही वह फंक्शन 2π पीरियड में कंटिन्यूअस हो या 2π पीरियड में फंक्शन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों बिहेवियर को कंटेन कर रहा हो। अब आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो फूरियर सीरीज एक्सपेंशंस फॉर दोज फंक्शंस व्हिच हैव आर्बिट्ररी पीरियड। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा आपको याद दिलाएं क्या क्या चीजें आप इसमें स्टडी कर चुके हैं, क्या एमसीक्यू में कैसे पूछा जा सकता है, चीजों पे हम थोड़ी थोड़ी करके बात करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला आप याद दिलाते हैं कि मानते हैं फंक्शन का इंटीग्रल क्या है f ऑफ x और x का जो रेंज है वह c से लेकर के c+2L, मतलब x belongs in the two intervals c+2L। अगर इस फंक्शन का लेंथ ऑफ इंटरवल रेंज से लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड आउट करने की कोशिश किया जाए तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल आपको मिलेगा वह कितना मिलेगा c+2L minus c that is equal to 2L। इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और आप ऐसा नहीं कि आपको पता फार्मूला क्या होता है, वह है f x equals a naught by plus sigma n equals 1 to infinite am into basha n pi upon n into plus plus sigma n equals 1 to infinite bn sine of n pi अपॉन एल समझौता है। आपको याद आ गया कि एफ एक्स इक्वल्स पूरे सीरीज पर दिन फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल सी इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू सी प्लस टू एल इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स ए नॉट बाय टू प्लस सिग्मा n equals 1 to infinite an cos n pi upon n multiplied by x plus sigma n equals 1 to infinite bn sin n pi upon n multiplied by x। ये तो आपका फॉर्मूला a naught an bn these are known as unknown Fourier coefficients। अब इन अननोन फूरियर कोएफिशिएंट्स को भी डिटरमाइन करने के लिए फार्मूला जो आपको पता है उसको आप बताते हैं याद आ रहा है a नॉट इक्वल्स 1 अपॉन l इंटीग्रल c+2l f x dx। अगर याद आ रहा a नॉट इक्वल्स 1 अपॉन l
इंटीग्रल c टू c प्लस 2l fx dx। ऐसे ही आपने a n b डिफाइन कर रखा है, a n इक्वल्स 1 अपॉन l इंटीग्रल c टू c प्लस 2l fx इनटू cos of n pi upon l f dx, and here variation of n will be from 0, 1, 2, 3 and so on, and we can define n as 1 upon l integral c to c plus 2l Lux into sin of n pi upon l into lux dx. But here the variation of n is starts from 1, 2, 3 and that arrives. But n stands for non-negative integers, and here n stands for non-negative इसके बहुत सारे पर्टिकुलर केस भी बनेंगे, क्योंकि यहां से आपने डिसाइड कर ही दिया कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल है, यहां से वो लेंथ ऑफ इंटरवल आपने कह रखा है दैट इज इक्वल टू 2l। अगर लेंथ ऑफ इंटरवल आप डिसाइड कर सकते कि 2l है, तो उस कंडीशन में इसके बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस बन सकते हैं। जैसे पहला पर्टिकुलर केस बन सकता है, यदि हम c इक्वल्स 0 ले, इफ वी टेक c इक्वल्स 0, अगर c इक्वल्स 0 ले लेंगे, यदि जो k नॉट है, यहां k नॉट हो जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल c की जगह 0 रख रहे हैं, तो जगह 0 से 2l fx dx। जैसे an equals हो जाएगा 1 upon l integral 0 to 2l fx into cos of n pi upon l into x dx, और bn is equal to हो जाएगा 1 upon l into integral 0 to 2l fx into sin n pi upon l into x dx। तो आपने k नॉट an bn सब डिफाइन कर लिए, वो भी उस कंडीशन की अगर c 0, एक पहला पर्टिकुलर केस c को माइनस l को भी पूछ सकता है। तो अगर हम c इक्वल्स माइनस l ने, तो उस कंडीशन में दूसरा पर्टिकुलर केस क्या होता है वो भी आप समझ सकते हैं। का इनपुट सेकेंड केस लिखें, इफ वी पुट या इफ वी टेक सी इक्वल्स माइनस एल, अगर सी इक्वल्स माइनस एल लेते हैं, यहां पर अगर माइनस एल इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर माइनस एल प्लस टू एल, माइनस एल प्लस टू एल को मिला करके हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एल a not is equal to कब हो जाएगा 1 upon l s से देगा, यहां क्या होगा integral minus l to l l x से देगा। दूसरा a n equal से देखेंगा तो आ जाएगा 1 upon l integral s से जाएगा minus l to l f x into cos of n pi upon l Yes. और ऐसे भी dn भी डिफाइन कर सकते हैं आप, वह हो जाएगा 1 upon l here minus l to l integral range like minus l to l fx into sin of n pi upon l into x dx। और वो पर्टिकुलर पीस कंसीडर करके देखते हैं, वो पर्टिकुलर पीस के आपके सामने लिए जाते हैं, थोड़ा समझते हैं।
अब भाई एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर केस और भी लेते हैं भाई। यदि ऐसा हो जाए तीसरा केस, अब ए एंड इवेंट फंक्शन इज एन इवेंट फंक्शन, तो अगर एफएक्स एक इवेंट फंक्शन है तो आपको आपके पैटर्न पर इस दिया है कि अगर सिंपल से माइनस है तो जब क्या लेगा माइनस एल को जब हो जा रहा है यहाँ क्या हो जा रहा था माइनस एल को जला जा रहा है, यहाँ भी क्या जा रहा था माइनस एल को जला जा रहा है। ये सारे के साथ अब भाई एफएक्स अगर एक इवेंट फंक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या होते हैं, चलो भाई वो भी देख लेते कि अब तक सर फंक्शन हो जाए तो क्या है। तो कहीं ना कहीं आपने प्रॉपर्टी स्टडी कर रखा है कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ना, कहते हैं इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप याद दिला रहे हैं, ये होता है आपका ट्वाइस टाइम इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। लेकिन इसको ऐसा या इसको ऐसा तभी लिखा जा सकता है, प्रॉपर्टी है, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता कब है उसकी एक कंडीशन, और वह यह एक्स इज एन इवेंट फंक्शन, अगर इंटीग्रेंट एक इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेंट इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन जानते कैसे हैं वो आपको याद आ रहा होगा, डिवीजन क्लास है पर डिवीजन भी करना है, तो वो कैसे आपको याद आता है कि किसी फंक्शन को इवन कैसे करते हैं। जो इंटीग्रेंट है एफएक्स, एफएक्स में जहां जहां एक्स आए उनकी जगह माइनस एक्स, अगर यह थीटा होता तो थीटा की जगह क्या रखते माइनस, यह टी होता तो टी की जगह क्या रखते माइनस। मतलब फंक्शन में जो वेरिएबल है माइनस टाइम वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाए, और ऐसा करने से अगर फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम फंक्शन को इवेंट, लेकिन वैल्यू प्रिजर्व रहे और साइन चेंज हो जाए, मतलब f माइनस x इक्वल्स माइनस f x आ जाए, तो अगर f माइनस x इक्वल्स माइनस f x आ जाए तब एक फंक्शन की r कमांड f x इज r, तो अगर फंक्शन r हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो रिजल्ट आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ भी कहा गया आपसे r इवन आपको प्रॉपर्टी याद दिलाए, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से प्रॉब्लम को भी आप प्रॉब्लम में जहां लिखते हैं वहां भी यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी का। दूसरा यह भी कि प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर के हम प्रॉब्लम को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप यहां कहा गया कि यदि फंक्शन इवन तो जिस प्रॉब्लम का फूरियर सीरीज हमको फाइंड आउट करना है उसका दिया गया फंक्शन अगर ऑड है या इवन है तो पहला केस लिया हो, यदि इवन है तो उस कंडीशन में यहां देखिए अगर फंक्शन इवन हो तो लिखा हुआ माइनस एल हो गया तो इसको क्या लिख देंगे, तो ए नॉट इज इक्वल टू ए क्या करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई कर और ए का क्या कर देंगे आधा कर तो क्या 2 बाय एल इंटीग्रल माइनस एल टू एल हो जाएगा 0 टू एल एफएक्स डीएक्स। फिर an क्या होगा, यह तो दिखा है an इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन l इंटीग्रल 0 टू l fx इनटू cos n pi अपॉन l x l, और bn इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन l इंटीग्रल 0 टू l fx इनटू sin of n pi upon n into x dx।
चलिए गड़बड़ हो गया, ध्यान देना था थोड़ा सा। अगर फंक्शन इधर अभी ये भी क्या पढ़ा था, दूसरा फंक्शन ये क्या है पी एफ एक्स, अगर इधर आप कोसाइन भी क्या होता है इवन, तो इवन टू इवन क्या होता है इवन टू, तब तो ये लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ फंक्शन इवन और साइन फंक्शन को जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे साइन क्या होता है ऑड फंक्शन होता है, तो इवन इनटू ऑड क्या हो जाएगा ऑड, और ऑड हो जाने पर पी एफ एक्स बनता हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको एक प्रॉब्लम एमसीक्यू में दिया हुआ है जहां पर हम ऑड और इवन की प्रॉपर्टी पर फोकस कर रहे हैं, अगर वहां एप्लीकेबल होने लायक है और कहा गया दिए गए फंक्शन का फूरियर सीरीज के फंक्शन से बीएन फाइंड आउट करिए, अननोन को ये फंक्शन बीएन फाइंड आउट करिए, तो अगर आप मालूम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है और बीएन पूछा जा रहा है तो वहां कंप्यूट नहीं करना होगा, सीधे आप देखेंगे बीएन को जीरो। ऐसे ही अगर आपसे एनआर या एएन पूछा गया तो प्रॉपर्टी का उसके ऊपर कुछ छोटा कर लेते और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको आता है उसके अनुसार कर लेते। अब एक प्रॉब्लम हम लेते हैं, अब चौथा पार्ट लेते हैं कि अगर जो चौथा केस आपका इसका पर्टिकुलर केस लेते हैं कि एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, अगर दिया गया फंक्शन आर है तो अब आप समझ गए होंगे आर इवन की प्रॉपर्टी से क्या होता है। अगर फंक्शन आर है या आर माइनस एफ एल एफ एक्स डी एक्स का अगर जीरो होकर वन बाई एल में जीरो से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे जीरो, सर ए आर की प्रॉपर्टी क्या हो जाए जीरो, ए एन देखा जाएगा। अगर एफ एक्स आर है और कोसाइन क्या करते हैं इवन फंक्शन तो आर इनटू ई है आर फंक्शन है तो पूरा इंटीग्रेट क्या होता है आर फंक्शन, तो आप जानते हैं इंटीग्रल माइनस इनटू एल अब आर फंक्शन क्या होता है जीरो होता है वन बाय एल इनटू जीरो होता है क्या जीरो, इसका मतलब ई एन टू क्या होती है जीरो होती है। फिर बी एन कंप्यूट करते हैं बी एन कंप्यूट क्या होता है क्योंकि एफ एक्स आर है आपके कंसीडरेशन के अनुसार साइन फंक्शन का नेचर भी आर फंक्शन का है तो आर इनटू आर कुल मिला के क्या जाएगा आर फंक्शन, सॉरी आर इनटू आर क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। अब अगर ये इवन फंक्शन हो गया तो इंटीग्रल माइनस एफ टू एल ऑफ इवन फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक्स का होता ट्वाइस टाइम इसको देना दो से गुणा कर क्या जाएगा टू अपॉन एफ और ये आप कर देंगे तो क्या इंटीग्रल जीरो हो जाएगा एफ एक्स इनटू साइन ऑफ एन पाई अपॉन एल एक्स, तो ए नॉट ए एन और बी एन आपने फाइंड आउट। चलिए भाई ये तो आर हमने थोड़ा सा चक्कर में कुछ समझ, अब इस पर बेसिक प्रॉब्लम लेकर देखते हैं कैसे हम कंप्यूट करते हैं। आपका लेते हैं फिर आते हैं प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम देते हैं लिखा एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन लिया fx equals x minus x square, a limit is minus 1 to 1, x lies in the root interval minus 1. इस फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करिए, पर अगर MCQ में तो आपसे नहीं कर सकते कि दिए गए फंक्शन का फूरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करिए, तो आपसे यही कहा जा सकता है कि दिए गए फंक्शन के लिए फर्स्ट ए नॉट फाइंड आउट है, दिए गए फंक्शन के लिए अननोन कोएफिशिएंट ए एन फाइंड आउट करिए या बी एन फाइंड आउट करिए, यही आपसे कहा जा सकता है। तो आपके सामने कल भी ऐसा प्रॉब्लम आया था यस इक्वल्स आपके सामने, मतलब आप सकता x माइनस x स्क्वायर, यहाँ
लेकिन यहां कहा x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1। लेकिन आज जो प्रॉब्लम आपके सामने इस समय की सॉल्यूशन है तो लिखा है fx इक्वल्स x माइनस x स्क्वायर और माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x के बराबर आर इक्वल टू 1। अब इन दोनों को देखकर आपको ये समझना पड़ेगा ही कि यहां जो लिखा हुआ है इस फंक्शन का अगर सीरीज एक्स फंक्शन पूछा जा रहा है या इस दिए गए फंक्शन का कार्य वृद्धि का माप फूरियर सीरीज फाइंड कांस्टेंट टर्म के नाम या इस प्रॉब्लम को देखकर के कहा जा रहा है कि फॉर द गिवन फंक्शन फाइंड द कांस्टेंट टर्म के नाट वृद्धि का माप फूरियर सीरीज। अब यहां जो रेंज देखेंगे तो पहले वाले प्रॉब्लम में जो x की रेंज है वह माइनस पाई से लेकर के पाई। अगर x की रेंज माइनस पाई से पाई तक है तो लेंथ ऑफ इंटरवल निकालेंगे 2 पाई है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल की 2 पाई आएगा। इसका मतलब यहां पर जो पहला प्रॉब्लम आपसे पूछा जा रहा है तो पाई पीरियड के पीरियडिक फंक्शन का फूरियर सीरीज के हेल्प से कांस्टेंट टर्म के नाम का होगा ये यहाँ जब देखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ x की रेंज माइनस वन से लेकर के वन तक अगर x की रेंज माइनस वन से वन तक है तो लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ ऑफ इंटरवल यहाँ पर मिलेगा 2। समझ रहे हैं अरे भाई x की रेंज माइनस वन से लेकर के वन तक तो वन माइनस माइनस वन करेंगे क्या होगा इसका मतलब दो प्रकार के प्रॉब्लम आपके सामने आ सकते हैं। कल भी आपको उनके लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको इंडिकेट किया गया है एक वो हो सकता है कि जहां पर पीरियड 2 पाई ही हो तब फार्मूला का दूसरा वो हो सकता है जहां पर पीरियड आर्बिट्रेरी हो जैसे यहां पर पिछले बार यहां पीरियड आर्बिट्रेरी हो यहां माइनस वन के बाद बजाय यहां सकता माइनस टू हो नहीं सकता लेकिन 2 पाई नहीं आ सकता। अगर 2 पाई मतलब पाई नहीं आ रहा 2 पाई नहीं आ रहा लेंथ ऑफ इंटरवल तो उस कंडीशन में आप स्वतः समझ लीजिएगा कि हमें आर्बिट्रेरी पीरियड के पीरियडिक फंक्शन का जो फूरियर सीरीज फार्मूला होता है उस पर अपना ब्रेन फोकस करना चाहिए। ये तो डिफरेंस अब अगर यहाँ समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल जो आपको दिया जा रहा है इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया आर्बिट्रेरी पीरियड की बात हो रही है और यहाँ से कहा जा रहा है नॉट कंप्यूट करिए एन कंप्यूट करिए और बी एन कंप्यूट करिए। ये तो हमने आपके सामने कंप्यूटेशन के लिए किया पूरी सीरीज निकाल दी। अब अगर ए नॉट ए एन बी एन आपसे कंप्यूट करने के लिए कहा जा रहा है तो और आप तय भी कर चुके कि आर्बिट्रेरी पीरियड की बात है अब फार्मूला याद करेंगे तो पहले लेंथ ऑफ इंटरवल देखें लेंथ ऑफ इंटरवल कितना आ रहा है लेंथ ऑफ इंटरवल ये लिखने की चीज नहीं है ये समझने की चीज है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। वहां जो आपको फार्मूला बताया गया है उसमें था लेंथ ऑफ इंटरवल 2 लिया याद आ रहा है क्या लिया था हमने एक्सपीरियंस क्या लिया था greater than or equal to c less than or equal to c plus 2 या लगेगा तो यहां से लेंथ ऑफ इंटरवल निकालने क्या रहा है 2 या
तो अगर यहां लेंथ का इंटरवल 2 लिया है यहां लेंथ का इंटरवल 2 दोनों कंपेयर कर देंगे तो 2 लिया इक्वल टू क्या आएगा और यहां से लिया इक्वल का हो जाएगा 1 सो द फार्मूला में लिया की जगह क्या लिखना है 1 है इतना क्लियर हो गया। अब a नॉट इक्वल्स आपको याद आ गया a नॉट इक्वल्स आपको जो फार्मूला लिखाया गया था अगर पीरियड माइनस या फिर माइनस या फिर लेस देन आर इक्वल टू या सिमिलर देन आर इक्वल टू यहां पे पीरियड निकालेंगे तो पीरियड आएगा ना अपन जब निकालेंगे तो फार्मूला याद करिए माइनस या फिर लेस देन आर a नॉट इक्वल टू 1 अपॉन या इंटीग्रल माइनस या फिर पीरियड या फिर से इंटीग्रल या आप समझने के लिए भी कर याद तब तो पर a नॉट इक्वल्स कर देंगे यहां से आप डिसाइड करते हैं पीरियड इक्वल्स 1 इंटीग्रल माइनस वन टू वन एफ एक्स डीएक्स ये तो वन इंटीग्रल माइनस वन टू वन एफ एक्स क्या है वो आपको प्रॉब्लम में मिला है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब अगर मालूम है कि एक्स तो एक ऑड फंक्शन है ये एक्स तो लेकर दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस ट्वाइस टाइम इंटीग्रल जीरो एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट आप कर सकते हैं भाई जितने भी ज्यादा आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और प्रॉपर्टी यूज करने के लिए स्पेस मिल रहा है आपको या नहीं वो आपको सारा एक एक प्रॉपर्टी कैसे कैसे यूज करना समझाया तो आप ये लिख दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 2 दिया 0 टू 1 हो गया तो मिला के माइनस 2 और ये जाएगा 1 अपॉन 3 है ना अपॉन नंबर माइनस 2 वाले अब अगर आपसे कहा गया होता प्रॉब्लम में इस दिए गए फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज से कांस्टेंट टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट करिए तो दिए गए फंक्शन के लिए जब फूरियर सीरीज से कांस्टेंट टर्म आप फाइंड आउट करते हैं तो ए नॉट आप निकालते हैं ए नॉट आ गया माइनस टू बाई टू हो सकता है वहां चार विकल्प आपको दिए गए उसमें से एक विकल्प आपका सही हो आपने ये रखे अभी देखा था ये इंपल्स क्या था 1 तो अगर ये इंपल्स मान तो ये क्या हो जाएगा ये इंपल्स 1 अपॉन 1 इंटीग्रल माइनस 1 टू 1 fx की जगह पे आ जाएगा x माइनस x स्क्वायर cn into cos n pi अपॉन n तो n अपॉन 1 x इंटीग्रल फाइनली ये क्या हो गया इंटीग्रल माइनस 1 टू 1 x into cos n pi x dx minus integral minus 1 to 1 x square into cos n pi x into dx ठीक है वहां पर हम मतलब होता है उस पर हम मतलब करते हैं इंटीग्रल का प्रॉपर्टी इंटीग्रल आ गया प्लस सी आ गया x dx इंटीग्रल आ गया dx प्लस इंटीग्रल आ गया dx अलग अब यहां देखेंगे x का यहां है तो माइनस से टू है माइनस को प्रॉपर्टी है फिर डिफरेंट पता करना चाहिए माइनस से टू है मतलब वो आप समझ सकते हैं x आपको माइनस से पता है कि ऑड फंक्शन कोसाइन क्या है इवन फंक्शन तो ऑड इनटू इवन का हो जाए ऑड हो जाए ऑड हो जाए तो ये रिजल्ट क्या हो गया 0 हो गया ये रिजल्ट क्या हो सकता है आपको नहीं प्रॉपर्टी यहां पे माइनस से टू है इसको देख करके पहले हम डिसाइड कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं नहीं इतना भी इंडिकेशन दे रहा है कि हम प्रॉपर्टी यहां पे सोच सकते हैं फिर एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन इवन कोसाइन कैसा फंक्शन इवन इनटू लेवल इनटू इवन का क्या इवन फंक्शन होता है इवन फंक्शन को तो प्रॉपर्टी के हिसाब से दूसरे मल्टीप्लाई कर तो इस इंटीग्रल को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं रेंज को क्या करते हैं आधा करते हैं तो माइनस 1 टू 1 क्या करते हैं 0 टू 1 कर दिया और एक्स स्क्वायर का सार ये माइनस डी का यहां हमने लिख दिया बाय प्रॉपर्टी एमसीक्यू का जवाब हम इसमें आपको समझना है देखिए आप
आइडिया लगाइए फर्स्ट मार्क दिया दूसरे को सेकंड मार्क अब यहां से ए एन इक्वल्स क्या आएगा माइनस ऐसे क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन x पर इंटीग्रल आर्गुमेंट पास एन पाई एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई एक्स लिमिट क्या हो जाएगा यहां जीरो टू माइनस पूरी इंटीग्रल जीरो टू डिफरेंशियल आप कर सकते हैं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2x इंटीग्रल आप सेकंड करेंगे तो हो जाएगा cos n π x का मतलब sin n π x अपॉन n π जो विद रिस्पेक्ट टू x लिमिट रख के बस हो जाएगा माइनस अपर लिमिट रख के x की जगह मान रख वन रख के क्या है वन आ जाएगा x की जगह मान रख के sin n π और sin n π की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है तो अपर लिमिट रखने पर जीरो होगा लोअर लिमिट रखने पर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यदि के टू ऊपर जाने का इंतजार है तो बाहर कर दिया माइनस टू ऊपर जाने का इंतजार है अब फिर फर्स्ट सेकंड मान के इंटीग्रेट करते तो आपका फंक्शन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस cos n / π dx अपॉन n / π लिमिट इज जीरो माइनस फोर इंटीग्रल जीरो टू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन का इंटीग्रल करें तो माइनस cos n / π dx अपॉन n / π फिर सिंपलीफाई कर दो तो माइनस माइनस लाल कर दो माइनस हो जाएगा ये माइनस माइनस तो हो जाएगा टू अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपर लिमिट में क्योंकि एक्स जगह पर तो कॉस एन पाई है कॉस एन पाई ऊपर से क्या होता है माइनस वन की पावर एक्स की जगह जीरो की पास जीरो क्या होता है वन होता है लेकिन पहले लोअर लिमिट पहुंच जाएगा आपका प्लस अब cos n / x को इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा sin n / π x अपॉन n / π एक n / π पहले से n / π का स्क्वायर है यहां पे लिमिट क्या होगी जीरो लिमिट रखते हैं यहां x की जगह पर रखते हैं तो sin n / π आएगा sin n / π क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है लोअर लिमिट रखते हैं x की जगह पर रखते हैं कितना हो जाएगा जीरो फिर मिला अच्छा tan cos माइनस माइनस इसको मतलब थोड़ा सा और बेहतर ढंग से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इस तरीके से आप ए एन एफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ही आप bn भी कर सकते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा तो bn कैलकुलेट करने के लिए पावर चाहिए बट आप ऐसे ही bn भी कैलकुलेट a नॉट bn bn कई मिस्टेक की जल्दी बाकी चेक कर सकते हैं बट प्रॉब्लम इसी तरीके से आप करने की कोशिश कर सकते हैं फिलहाल अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम पर हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं।